कटिंग करने जा रही हूँ। इसकी मेजरमेंट इस तरह से है, चेस्ट 36, मतलब कि हम लोग फुल बस्ट का नाप लेते हैं तो फुल बस्ट 36 होगा। तो हम सूट में अपर बस्ट जो है वो भी 36 ही रखेंगे और कमर हमारा आएगा 32 और हिप आएगा 43। मैं ये कस्टमर का, ये किसी एक लेडी का मेजरमेंट है। तो हम कटिंग करते समय जो चेस्ट के पास है वो वहाँ मार्क करेंगे, जैसे फुल बस्ट है हमारा 36, तो आप देख रहे होंगे नीचे उसे हमने 4 से डिवाइड किया है तो 9 आएगा, तो चेस्ट के पास हम 9 ही मार्क करेंगे। और जो फुल बस्ट है उसका भी मेजरमेंट है 36, नहीं फुल बस्ट का मेजरमेंट ही जाता है इसमें, तो फुल बस्ट 36 है उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, वहाँ भी 9 ही मार्क करेंगे। और हमारा कमर जो है वो है 32, उसको हम उसमें हम 2 प्लस करेंगे, हल्का सा लूजिंग देने से अच्छा लगता है ना, तो 2 प्लस करेंगे वो 34 हो जाएगा, उसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो मेजरमेंट आएगा 8.5। ओके, हिप का मेजरमेंट है 43, उसमें हम 1 प्लस करेंगे इसलिए क्योंकि हिप के वहाँ ज़्यादा लूज हो जाने से वो सूट ठीक बनता नहीं है, कुर्ती ठीक से ढीला ढीला सा लगता है, तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 44 और फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 11। तो ये हमारा फुल मार्किंग का हम निकाल चुके हैं, जिसमें चेस्ट के पास 9 होगा, फुल बस्ट के पास 9 होगा और कमर के पास हमारा 8.5 होगा और हिप हमारा 11। ये जो सूट है हमारा ये डीप नेक है, इसका डीप नेक 8 होगा, तो इस हिसाब से हम शोल्डर इसमें लेंगे क्योंकि इसका फुल बस्ट 36 है, तो जिसका 36 फुल बस्ट होता है उसके डीप नेक की सूट में हम 5.5 लेते हैं। और इसका आर्म राउंड भी 5.5 ही होगा, तो हम इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पर हम ये इसको स्ट्रेट 5.5 कर देते हैं ये, और इसको मिला देंगे। अब हम सारी लाइनिंग खींच लेंगे, जितना हमें लाइन वाला जो स्टेप में जो चाहिए कमर का हिप का ये सब खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फुल बस्ट का लेंथ निकालेंगे, तो फुल बस्ट का लेंथ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा जो फुल बस्ट होता है उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें हाफ ऐड करते हैं। तो इसका फुल बस्ट है 36, 36 का 4 पार्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9, 9 में हम हाफ ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा और प्लस ऊपर हाफ इंच स्टिचिंग के लिए छोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 10, एक मार्क हम 10 में करेंगे। इसका कमर हमको लेना है 14 पे, तो 14 में हाफ इंच ऐड करेंगे ऊपर सिलाई के लिए तो ये आ जाएगा 14.5। उसके बाद हमारा इसका हिप राउंड है, इसका हिप राउंड हमको लेना है 20 पे, तो 20 में भी हम हाफ इंच ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेस्ट पर हमारा चेस्ट का मार्क ऐड करें, चेस्ट का मार्क करेंगे, तो हमारा चेस्ट का जो मार्क जो हम निकाले थे 9 आया था पूरा हिसाब करके, तो 9 पे रख के इसको यहाँ एक मार्क करेंगे और फिर ये लाइन सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म राउंड बनाएंगे क्योंकि इसका डीप नेक 8 है, यानी कि ये डीप नेक है, क्लोज नेक नहीं है। अगर 8 या 8 या 8 से ज्यादा होता है तो उसका मार्किंग हम लोग इस तरह से करते हैं। यहाँ हम टेप रख के यहाँ तक नाप करके आधा लेते हैं, यहाँ का हाफ करते हैं और यहाँ एक मार्क करते हैं, और चूंकि ये हमारा डीप नेक 8 है तो हम यहाँ ये मार्क से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे, और अगर 8 से कम होता तो हम यहाँ पर 70.75 पे मार्क करते हैं। तो हमारा 8 है डीप नेक, तो यहाँ से ये जो हाफ जो किए हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का हाफ लिए है, वहां से 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और ये पॉइंट और ये ऊपर का पॉइंट को हम मिला देंगे खूबसूरती के साथ। फिर हम यहाँ हाफ इंच पे एक पॉइंट देंगे और यहाँ एक बैक आर्मोल का सुंदर सा यहाँ पे मार्क करेंगे, ये
खुद हमको हमारे नजर में ये खूबसूरत होना चाहिए, ये जो हम राउंड किए हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यहां पर 0.75 पे हम एक मार्क करेंगे, सॉरी 0.75 पे नहीं, 1.25 पे मार्क करेंगे, और यहां पर हम 0.75 पे मार्क करेंगे, और इसको भी हम बहुत ही खूबसूरती के साथ गोलाई देके आर्म राउंड फ्रंट का बना देंगे। ये हमारा आर्म का पोर्शन हो गया। सूट या ब्लाउज किसी में भी ये इतना आर्म के ऊपर का पार्ट का जो डिजाइनिंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जरा भी अगर गलती हुआ तो सूट की हमारी फिटिंग पूरी बिगड़ जाएगी। अब यहाँ जो हम फुल बस्ट का मार्क किए थे, वहां भी हम फुल बस्ट भी यहाँ पर, यहाँ फुल बस्ट भी हम 36 का 4 पॉइंट करके 9 निकाले थे, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर हम वही 9 जो है फुल बस्ट के यहाँ पे मार्क देंगे, क्योंकि हमारा फुल बस्ट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। वो लूज होगा तो फिर वो सही नहीं आएगा। उसके बाद जो हम कमर का 14.5 पे जो पॉइंट लगाए थे, वहां पे हम 8.5 निकाले हैं कमर का। कमर हमारा 32 था, तो इसको हम कैलकुलेट करके 8.5 निकाले हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हिप का मार्क करेंगे, जो कि 20 था, तो उसमें हाफ इंच ऐड करके हम 20.5 पे मार्क किए हुए हैं, तो वहां पर हमें हिप का मार्क करेंगे। इसका भी हम हिसाब करके पहले 11 निकाल चुके हैं, तो हम ये 11 पे ये मार्क करेंगे, हो गया। अब ये स्ट्रेट कुर्ती है। अब 11 के बाद हम यहाँ 1 इंच मोड़ने के लिए डालेंगे, साइड में जो कोर जो मोड़ते हैं उसके लिए, तो 1 इंच पे दाग डालेंगे। अब यहाँ 1 इंच लेके पूरा इसको मेजर करेंगे कितना हो रहा है, तो ये 12 हो रहा है। अब ये स्ट्रेट कुर्ती है, तो ये 12 हमारा, ये नीचे लेंथ के पास भी हम ये 12 मार्क कर देंगे। अब ये सारा मार्किंग हो गया है। मार्किंग होने के बाद अब हम इसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर सिलाई के लिए देना है मार्किंग, तो हम यहाँ से यहाँ करेंगे। ये देखिए, ये जो कमर का पार्ट है इसे थोड़ा दूर में ही हम इसे एंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें शेप देना है सर्कल का। फिर यहाँ भी हम यूं ही दाग देंगे, ये कमर के पास से थोड़ी दूर तक ही दाग देंगे, और फिर ये और यहाँ चेस्ट का और फुल बस्ट के मार्क को हम मिला देंगे, और यहाँ पर इसे हम बहुत ही खूबसूरती के साथ यूं करके हल्का सा राउंड शेप देते हुए ये मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पर स्लाइड के लिए 1.5 इंच ये स्केल है, इसको रख करके हम यूं मार्क कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग का लाइन हो गया, यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। ये हमारा पूरे सूट का मार्किंग हो गया। अब इसका गला पहले से बना हुआ है, तो इसे हम कैसे काटेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन के यहाँ को मिला करके पिनअप कर चुके हैं और अच्छी तरह से आयरन कर दिए हैं सारे डिजाइन को लेवल से मिला करके। तो हम ये डिजाइन के थोड़े ऊपर से मेजर करेंगे, हमको इसका नेक 7 रखना है, और यहाँ से हम 2.5 इंच के करीब का शोल्डर रखे हैं। 2.5 इंच पे रख के हम यहाँ मार्क किए हैं। अब हम यहाँ से लेकर के ये जो 2.5 इंच का मार्क है, यहाँ तक हम देखेंगे 7 आ रहा है यहाँ पे, और इतना जो थोड़ा सा बचा है 0.5 इंच के करीब, ये साई के लिए रहेगा ऊपर। तो ये गला बड़ा परफेक्ट है। अब हम इसको अच्छी तरह से गले को बैठा करके यहाँ थोड़ा सा छोड़ करके और यहाँ पे ऐसे करके रिन्यू करके राउंड करके ये दाग डाल देंगे, जो कि ये फ्रंट नेक हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा ये हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम जो बैक का जो नेक है उसे काटेंगे। कट का मार्क देंगे ये चेस्ट के पास सिलाई के लिए, ये हिप के पास देंगे, ये देना बहुत ही जरूरी होता है। इसे
कुर्ते की जो सिलाई होती है बहुत सही होती है, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कट दे देंगे, क्योंकि स्टिच करते समय हमें इसी कट को मिलाने से कुर्ती स्ट्रेट सिलाई होती है, ये तो सिलाई ऊपर नीचे पल्ला हो जाएगा तो वो टेढ़ी कुर्ती बनेगी। ठीक है, अब ये जो मार्क जो हम किए हैं इसको फ्रंट पार्ट में ही दूसरी तरफ जो है एस यू करके उठा लेंगे। इस मार्क को भी उठा लेंगे जो कि हमारे सिलाई में ये बहुत ही काम करता है, तो हम उसी तरह उठाएंगे मार्क जैसे हम पहले फ्रंट में किए थे, कमर के पास से थोड़ी दूर तक मार्क करेंगे और बाद में फिर वहां पे खूबसूरत सा गोलाई जैसा बना देंगे जो कि कमर के पास बहुत सुंदर से फिटिंग आती है इससे, ये हमारी पूरी। और फिर हम ये फ्रंट नेक जो है यहाँ पर एक कट डालेंगे नेक के पास जो हम जो 2.5 इंच पे जो डाले थे, और ये फ्रंट आर्म का भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग ये कंप्लीट हो गई है। अभी बाजू की कटिंग बाकी है, वो हम भी हम करेंगे।